जो कि इटावा से मुझे 13 तारीख को मिल जाएगी 5:12 पे और लखनऊ पहुंचा देगी। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 12 अप्रैल 2024 और जैसे कि आपको टाइम नज़र आ रहा है अभी 10:23 हो रहे हैं। मैं रिजर्वेशन करने की कोशिश कर रहा था, क्या कल मुझे निकलना है ना अयोध्या के लिए, खैर गोरखपुर जा रहा हूँ सबसे पहले, तो मैं तो उसके लिए मुझे तत्काल में रिजर्वेशन करना है। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। 11 बजे तत्काल का टाइम होता है, 11 बजे बुकिंग शुरू होगी। तो मैं अभी देख रहा था एसी वाले में तो करीब 3-4 मिनट तक खाली रहा था, लेकिन मुझे एसी में करना नहीं था इस वजह से मैंने छोड़ दिया। और अगर मेरा ये बुकिंग हो जाती है इसके बाद मैं वहीं पर रिटायरिंग रूम भी बुक कर लूँगा, लगभग 150-200 रुपये के आसपास पड़ेगा, जो भी पड़ेगा 12 घंटे के लिए गोरखपुर में ही। तो वहाँ पर मेरा एक दिन का स्टे हो जाएगा, मतलब सबसे पहले तो कुशीनगर जाऊँगा और वहाँ से वापस आकर गोरखपुर में स्टे करूँगा कुछ जगहों को गोरखपुर में भी कवर करने के बाद, जो वहाँ की नाइट वगैरह की रहती है, लेक क्वीन करके एक शिप वगैरह चलती है वहाँ पर, तो उसको कवर करने के बाद फिर अपन वहीं पर स्टे करेंगे, फिर दूसरे दिन गोरखपुर कवर करके फिर अयोध्या निकल जाएंगे। फिर अयोध्या में मैंने डॉर्मेट्री वगैरह देख लिए, वहाँ पर स्टे करेंगे कुछ चीज़ें घूमने के बाद, उसके बाद फिर आगे मतलब दूसरे दिन अयोध्या पूरा कवर करने के बाद फिर वहीं से मेरी ट्रेन की बुकिंग है। वापस आने की तो मिल गया था, स्पेशल ट्रेन चल रही थी तो उसमें खाली था, लेकिन जाने की बुकिंग का डिसाइड 11 बजे ही हो पाएगा। अगर नहीं हो पाता इसमें बुक, रास्ता थोड़ा लंबा है और टिकट कम भी पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए अपन को फिर सुबह निकलना पड़ेगा कल। और अगर अपन को रात में निकलना है तो लखनऊ के लिए तो ट्रेन है जिसमें खाली है, गोमती चलती है जो कि अपन को 9:30 बजे पहुँचाती है, लेकिन वहाँ से फिर अपन को बस या फिर ट्रेन वगैरह कुछ देखना पड़ेगा, तो पूरा रात का भी फिर ऐसे ही सफ़र निकलेगा, उसमें अपन सही से सो नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मिल जाता है तो ये ज़्यादा सही है, मतलब आराम से पहुंच जाएंगे। तो अब जब 11 बजेंगे तभी देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है यार, मतलब तत्काल में बहुत पहले मैंने बुकिंग करी थी, कभी कभार मिल जाता है कभी कभार नहीं मिल पाता, तत्काल का तो ऐसे ही रहता है, मतलब दो मिनट में सीटें फुल हो जाती है और साइड भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है लोड वगैरह की वजह से, मतलब काफ़ी लोड हो जाता है ना साइड पर, तो 2 मिनट में सीटें फुल हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चली गई और पैसे कट जाते, फिर बाद में वो लौट के आते हैं 7-8 दिन बाद। अब देखते हैं फिर, तभी आपसे मिलता हूँ। अभी दोस्तों 15 मिनट बचे हुए हैं, 15 या 10 ही मान लो, ऐसे खास कोई। पता नहीं कौन बैठता है यार, ऐसे एकदम से इन्हें फुल कर दिया तत्काल में। अब कई लोग ये बोलेंगे कि भैया उस ट्रेन में तो टिकट फुल हो गए थे, मतलब तत्काल में तो मिला नहीं, फिर इसमें किया। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों इटावा से लखनऊ तक का कर लिया है, जो कि इटावा से मुझे 13 तारीख को मिल जाएगी 5:12 पे और लखनऊ पहुँचा देगी 9:30 पे। और लखनऊ में फिर देखेंगे आगे की प्रोसेस, मतलब अगर मुझे लगेगा कि भैया टाइम पे ही आ रही है गोमती एक्सप्रेस, तो ट्रेन में बैठे बैठे ही मैं आगे का भी टिकट बुक कर लूँगा, क्योंकि तत्काल में कुछ सीटें मिल रही हैं, वैसे मुझे पता है कल तक तो फुल हो जाएंगी, लेकिन फिर देखा जाएगा, नहीं तो टीटी वगैरह से वहाँ पर बात करेंगे। अगर नई व्यवस्था बनेगी तो, मेरा एक दोस्त लखनऊ जाता रहता है बिहारी, तो उससे मैंने पता किया तो वो बता रहा था गोमती एक्सप्रेस कभी कभार तो 6-6 घंटा लेट हो जाती है, कभी कभार 3-3 घंटा लेट रहती है, तो इसका कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर लेट चलेगी तो फिर मैं इटावा में भी देख लूँगा, अगर इटावा में से हो सकता है बसेस वगैरह जा रही हूँ डायरेक्ट गोरखपुर के लिए, तो इटावा से अपन बैठ जाएंगे। अगर लेट नहीं होगी तो गोमती से सीधा वहाँ पर लखनऊ पहुँच के वहाँ पर देखेंगे टीटी वगैरह से बात करके, नहीं अगर बनती व्यवस्था तो वहाँ पर पास में बस स्टैंड है, बस स्टैंड से लखनऊ की बता रहे बस लगी हुई मिल जाती हैं, हमेशा ही लगी हुई मिल जाती है चाहे जब पहुँचो, और वहाँ पर बस मिल जाएगी तुम्हें, तो वहाँ से सीधा लखनऊ पहुँचेंगे। और वहाँ से 4-5 घंटे लगते हैं लखनऊ तो पहुँचने के लिए, तो अपन वही देखेंगे, मतलब 9:30-10 बजे तक पहुँच रही है अपनी गाड़ी, और अपन देखेंगे 12 बजे के आसपास की बस वहाँ से, ताकि सुबह तक अपन पहुँच जाए, तो अपन को रात में कहीं स्टे वगैरह नहीं करना पड़ेगा, और सुबह अपना सीधा बस में ही सो लेंगे, और सुबह वहीं से अपन कुशीनगर निकल के घूमना शुरू करेंगे और वापस गोरखपुर में आके स्टे करेंगे रात में। अब PNR नंबर से ये हो जाता कि अपन को स्टे मिल जाता, जो IRCTC की डॉर्मेटरी सर्विस रहती ना उसमें डायरेक्ट PNR नंबर डाल के अपन को स्टे मिल जाता 100-150 रुपये में, लेकिन अब ट्रेन का बुकिंग तो हो नहीं रही है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ TT वगैरह से बात करके अगर मेरी व्यवस्था बनती है तो PNR नंबर तो भी मिल जाएगा, तो अपन को डॉर्मेटरी मिल जाएगा। मुश्किल लग रहा है, ये मैंने कभी किया ही नहीं, तो मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है प्रीमियम इंतकाल होता कैसे है, आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे कभी, इसीलिए मैं 3-4 महीने पहले रिजर्वेशन करके रखता हूँ अपने, ताकि कोई टेंशन ना है बाद में रिजर्वेशन मिलता है नहीं मिलता है। दोस्तों अभी 1:30 बजने वाले हैं और मैं नहा चुका हूँ, पहले सोच रहा हूँ कुछ वीडियोस वगैरह बना लेता हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगा, क्योंकि कल मुझे निकलना है, जैसे कि आप रिजर्वेशन तो हो ही चुका है, कल शाम की ट्रेन है मतलब 5:30-5:30 बजे की, तो कुछ वीडियोस वगैरह बना लेता हूँ जो कि आज लाइव हो जाएंगे। शिवम कंप्यूटर्स वाले के लिए भी कुछ फार्म आ गए हैं, मतलब 2-3 वीडियो बनानी, ज़्यादा कुछ फार्म तो आए नहीं है, तो 2 वीडियो उसके लिए बनानी है, 11-1 वाले के लिए 1 वीडियो बनानी है जो कि संडे को लाइव हो जाएगी,
तो मेरा काम शेड्यूल पे आ जाए, उसके बाद ब्लॉग्स की एडिटिंग वगैरह वो अपन शाम तक कर ही लेंगे। तो पहले वीडियो शूट कर लेता हूँ ताकि एडिटिंग का काम बचे, वो अपन आराम से निपटाते रहें और शाम तक निपट जाए पूरा काम। तो आज ही अपन फ्री हो जाएंगे तो कल आराम से निकल सकते हैं। तो भैया आप सही लग रहा है ना, मोबाइल भी लगा लूँ स्टैंड पर, फिर बनाता हूँ वीडियो, फिर थोड़ी देर से आपसे मिलता हूँ। तो भैया लगभग 4 वीडियोज़ मैंने शूट कर लिए हैं, मोबाइल भी अभी लगाया, अभी हाल मैंने कैमरा बंद कर दिया था तो इसको मैं हटा देता हूँ, चार्ज भी हो चुका है। अब बस इनको एडिट का काम है, लेकिन उससे पहले मैं खाना खा लेता हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है। 2 बज रहे हैं अभी, अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं, नाश्ता भी नहीं किया सुबह से। सही कह रहा हूँ बिल्कुल, अभी तक नाश्ता भी नहीं किया मैंने। अब पहले पेट पूजा करूँगा, उसके बाद ही दूसरा काम होगा अपना। दोस्तों खाना खाने के बाद मैंने कुछ देर आराम किया होगा, 15-20 मिनट, उसके बाद मैं लग गया था वही वीडियोज़ वगैरह एडिटिंग में। और अभी रात के अब देख सकते हैं 12:27 हो रहे हैं, 13 अप्रैल 2024 तारीख लग चुकी है। तो तब से मैं एडिटिंग में लगा हुआ था, अब जाके मेरा ये आखिरी वाला ब्लॉग डला हुआ था उसके भी मैंने एडिट कर लिया, बस एंडिंग करना रह गया था। तो मैंने सोचा इसकी भी एंडिंग वगैरह कर देता हूँ और कल देखते हैं कितने टाइम निकलते हैं। वैसे तो कोशिश ये करूँगा मैं जल्दी निकलूँ, खैर छोड़ो वो तो कल ही देखा जाएगा। तो भैया फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब अगले ब्लॉग के बीच में दोस्तों हो सकता है एक दिन का गैप और हो जाए, इसलिए क्योंकि मैं 17 तारीख को दोपहर तक आ पाऊँगा। दोपहर तक क्या मतलब, सुबह ट्रेन मेरी आ जाएगी लेकिन यहाँ लेट पहुँच पाऊँगा। तो अगर टाइम से यहाँ पर पहुँच जाता हूँ तो ब्लॉग एडिट करके थोड़ा लेट ही डाल दूँगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते उसका कन्फर्म। तो हो सकता है उस दिन गैप हो जाए 17 तारीख को, 18 तारीख से फिर रेगुलर ब्लॉग हो जाएंगे। फिर केदारनाथ वगैरह के टाइम पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, वो तो तभी देखा जाएगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग में बस इतना ही था, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।